रिबन कट करके ये डिजाइनर मॉम के स्टोर की ओपनिंग यहाँ पर की जा चुकी है। डिजाइनर मॉम की ग्रैंड ओपनिंग आज हो चुकी है और यहाँ आप देख पा रहे हैं उमा सुधा जी पहुंचे, जो एमएलए सुभाष सुधा जी उनकी वाइफ यहाँ पर पहुंचे और उन्हें बुके देकर गीता मैम स्वागत करते हुए दिख रहे हैं और ओपनिंग की एक बेहतरीन शुरुआत जरूर की गई है। और यहाँ पर आप लोगों को ढेर सारे जो कलेक्शन आप देख पा रहे हैं ब्रह्म कुमारी से भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो यहाँ पर नारियल जो है नारियल से एक शुरुआत की जाएगी, कोई भी शुभ काम की शुरुआत इस तरीके से की जाती है और ये जो है एक अच्छी शुरुआत बेहतरीन शुरुआत जरूर हो चुकी है। गोहाना के जाने माने ब्रांड डिजाइनर मॉम की ओपनिंग हो चुकी है आज कुरुक्षेत्र में, शानदार इनोग्रेशन आज हुई है। और लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को लोकेशन बता देती हूँ, अगर आप कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं कहाँ पहुंचना है, अंबेडकर चौक नियर आपको बिल्कुल एयरटेल स्टोर के बिल्कुल साथ ऑपोजिट सिग्नस हॉस्पिटल आपको मिलने वाला है। एंड आई नो बहुत सारे डिजाइनर्स के पास आप लोग जाते होंगे लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कम्फर्ट स्टाइल एंड एलिगेंस मैटर हेयर यहाँ पर लिखा है, क्योंकि कपड़े तो ले लेते हैं लेकिन कम्फर्ट लेवल नहीं मिल पाता, वो यहाँ पर आपको कम्फर्ट लेवल भी मिलने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके माइंड में आ रही है, डिजाइनर मॉम ये कैसा नाम है, ये नाम के पीछे क्या कहानी है, नाम के पीछे की कहानी भी जानेंगे। और जिन्होंने ये ओपनिंग की है गीता चुग मैम, वो एक कैंसर सर्वाइवर रह चुकी हैं, कैंसर फाइटर रह चुकी हैं, उनकी कहानी भी जानेंगे किस तरीके से जो उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी एक ब्रांड खड़ी कर दी है जो गोहाना के बाद आज कुरुक्षेत्र में ओपनिंग हुई है। सर्टिफिकेट्स आप उनके देख पा रहे हैं, सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं, मनीष मल्होत्रा जी से भी उन्होंने क्लासेस ली, ऑनलाइन क्लासेस, काफी उनके सर्टिफिकेट्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आपको एक सर्टिफाइड मतलब एक डिजाइनर यहाँ पर मिलने वाली है। ड्रेसेस आप देख पा रहे हैं, ड्रेसेस काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है और अब जो है फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, फेस्टिवल्स के लिए आपको ड्रेसेस भी चाहिए, काफी मेरे को सुंदर लग रही है कलर, समर्स में ऐसे लाइट कलर्स चाहिए होते हैं वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, काफी खूबसूरत खूबसूरत जो है ड्रेसेस हैं, कुर्तीज हैं, ये काफी अच्छा लग रहा है मुझे, मुझे लग रहा है मैं भी शायद कुछ ना कुछ शॉपिंग करके जाने वाली हूँ यहाँ से, देख पा रही हूँ। ऑलरेडी कस्टमर्स भी पहुंच चुके हैं, वो भी मुझे देखते हुए दिख रहे हैं कि अच्छी अच्छी है, कौन रुक पाएगा, कोई भी लड़की पहुंचती है उसको यार कपड़ों से तो मतलब प्यार होता ही है ना, अलग अलग कलर्स चाहिए होते हैं, अलग अलग हमारे वार्डरोब में हर चीज होनी चाहिए। और मैम ने किस तरीके से सोचा कि एक टीचर वो रह चुकी हैं और इस इंडस्ट्री में आना उसके बाद और गिव अप नहीं करना, ये बहुत बड़ी चीज है, उनसे स्टोरी भी जानेंगे। ऑफर्स क्या कुछ रहने वाले जो आई नो सब लोग सोच सकते हैं, अच्छा ये कलर भी बहुत ना ट्रेंड में रहता है वाइन कलर, तो ये भी यहाँ पर मिल रहे कलर्स में काफी अच्छे देख पा रही हूँ कि फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग या डेली यूज के अकॉर्डिंग भी मुझे यहाँ पर काफी कलर्स मिल रहे हैं वो भी जानेंगे। और ऑफर्स क्या कुछ रहने वाले हैं वो भी हम लोग जानने वाले, काफी कलर्स में यहाँ पर देख पा रही हूँ, डिजाइन जो देख पा रही हूँ, डिजाइनर मॉम नाम है तो डिजाइनर तो आपको यहाँ पर कपड़े सब मिलने ही वाले हैं ना, सब अलग अलग डिजाइन आपके अकॉर्डिंग जो आपका लाइक हर किसी का अलग अलग स्टाइल होता है, वो स्टाइल से ही कहते हैं ना स्टाइल बोलता है, वो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। एंड काफी कस्टमर्स भी हैं, वो काफी देखते हुए दिख रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हाय मैम। हेलो मैम, कैसा लग रहा है, मैं देख रही हूँ आप कलेक्शन देख रहे हैं, बहुत अच्छी कलेक्शन है, इवन कि मैंने ऐसे कहीं नहीं देखा, एक ही स्टोर में सब कुछ बहुत फैबुलस है सच में। तो शॉपिंग करके जा रही है फिर? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख पा रही हैं यहीं से है मैम आप? हाँ जी, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। तो कैसा लग रहा है कि एक ब्रांड की डिजाइनर मॉम की गोहाना के बाद कुरुक्षेत्र में भी ओपनिंग हो चुकी है? नहीं, बहुत अच्छी डिजाइन है, मैंने नाम सुना था मैंने पहले भी, बट इवन आज मैं यहाँ आई हूँ तो बहुत अच्छी डिजाइन है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और वो उनके फेस पर स्माइल ऐसे दिखाई भी दे रही है, काफी अच्छे अच्छे मैं डेली यूज की ड्रेसेस देख पा रही हूँ, या फिर आपको पार्टीज के लिए चाहिए, फंक्शंस के लिए चाहिए, या फिर अब फेस्टिवल्स आ रहे हैं जैसे मैंने बोला, और साथ साथ ऑफर्स क्या कुछ रहने वाले हैं जिसका आप आई नो सब लोग वेट कर रहे होंगे, ऑफर्स के बारे में भी बताएंगे और मैम की स्टोरी भी जानेंगे कि मैम से बातचीत करेंगे, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। कैसे ये आया माइंड में ये नाम सोचना, ये स्टोरी कैसे एक टीचर से एक डिजाइनर में कन्वर्ट हो जाना और गिव अप नहीं करना, मुझे लगता है इंस्पिरेशन है बहुत सी लड़कियों के लिए, बहुत सी महिलाओं के लिए। मैम से बातचीत करते हैं, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन अभी तक आप चलो इतना कलेक्शन देखो, कलेक्शन मैं खुद भी देख रही थी मुझे काफी अच्छे लगे थे। मैम आ चुकी है गीता चुग मैम, हाय मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइए थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे, सबसे पहले जो एक कैची नाम मेरे माइंड में, ये जो है डिजाइनर मॉम, ये क्या है, डिजाइनर मॉम कैसे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। डिजाइनर मॉम मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हर लेडी, हर
माँ एक डिजाइनर है, ठीक है। वैसे ये जो प्यारा सा नाम है मेरे बच्चों ने ही मुझे दिया था, क्योंकि मैंने हमेशा अपने लिए ड्रेसेस डिजाइन की और बनाई भी खुद से, तो वो मुझे कई बार बोल देते थे दैट मम्मा यू आर ए डिजाइनर मोम। तो जब मैंने अपने ब्रांड का नाम सेलेक्ट करना था तो बस बोले और कुछ नहीं, डिजाइनर मोम ही ठीक है, और बहुत ही कैची और बहुत ही प्यारा नाम है। और आज तक दिया हुआ मतलब ये नाम है। हाँ बिल्कुल, और आज तक मतलब जो भी सुनता है या देखता है वो यही बोलते हैं, कितने क्लाइंट्स ये बोलते हैं कि हम ये नाम देख के एंटर हुए, अंदर आए। हाँ तो नाम भी बहुत ज्यादा मैटर हाँ। करता है, और आपके बाहर वो भी लिखा हुआ है कि कंफर्ट और स्टाइल भी, कंफर्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है, स्टाइल एंड एलिगेंस मैटर्स विद मी। ओके, एक डिजाइनर मॉम को लेके, और जैसे मैं कहना चाहती हूँ कि हर मदर एक डिजाइनर है, वो अपने बच्चे का फ्यूचर भी डिजाइन करती है, अपना भी करती है, मतलब पूरी फैमिली को डिजाइन करती है वो कि कैसे करना चाहिए, उसके हाथ में बहुत चीजें होती हैं। तो मैं सिर्फ कपड़ों को लेके नहीं, मतलब हर माँ एक डिजाइनर मॉम है, वो किसी भी रूप में दे सकती है अपने परिवार को आकार। तो मतलब बच्चों ने नाम दिया, बिल्कुल सही बोला कि एक माँ जो है वो डिजाइनर होती है बच्चों के फ्यूचर की, एक घर की डिजाइनर होती है। मैम आपकी कहानी जो मुझे बहुत छू गई कि आप टीचिंग की जॉब करते थे इतने साल, आई थिंक 17 साल आपने जॉब की है, टीचिंग की जॉब की है, मोर देन 17 ईयर्स। उसके बाद मैम क्या हुआ लाइफ में, कैंसर ये किस तरीके से, और कैसे इससे आपने फाइट बैक कैसे किया, क्योंकि आसान नहीं होता, और उसके बाद एक अपनी ब्रांड खड़ी कर देना बहुत बड़ी चीज है, क्या बताना चाहेंगे मैम? 2013 तक मैंने एज ए टीचर जॉब की है, गीता विद्या मंदिर गोहाना में ही, बहुत प्यारा स्कूल है। और उसके बाद 2013 में ही डायग्नोज हुआ था, तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो गया था मेरा दिल्ली से। तो उसके बाद से मैंने मतलब जॉब से तो क्विट कर दिया था, लेकिन यूं था कि हाँ जो डिजाइनिंग को लेकर पैशन था ना, वो मतलब हरदम साथ साथ ही रहा मेरे। टीचिंग प्रोफेशन में जब मैं थी तो मैंने अपने लिए डिजाइन किए, लेकिन अब मुझे यूँ लगता था कि बस बहुत हो गया, अब मुझे इसको एज ए प्रोफेशन में लेके आना है, मतलब कि इसका कोई फायदा नहीं है कि एक ड्रेस डाल ली आपने, और बहुत कुछ चलता रहता था जो मैं अपने लिए सब नहीं बना सकती थी। तो मुझे यूँ था कि अब मुझे इसे एज ए प्रोफेशन इंट्रोड्यूस कराना है। तो फैमिली की बहुत सपोर्ट है मुझे, मायके से भी, ब्रदर मेरे साथ रहता है, और हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट रहता है कि भाई आप जो करना चाहते हो कीजिए। तो इसलिए इसको एक रूप दे ही दिया मैंने अपने पैशन को। मैं आज की कौन सा क्या कैंसर हुआ था आपको? अंडर जो डायग्नोज हुआ था, तो उसके बाद मतलब डबल एक तरह से सर्जरी का कह सकते हैं, प्लास्टिक सर्जरी भी हुई साथ में, क्योंकि फेस खराब होने के पूरे चांसेस थे, तो काफ़ी मेजर सर्जरी थी मेरी उसके बाद। लेकिन रिकवरी मेरी बहुत अच्छी हुई, क्योंकि मैंने कभी भी डे वन में भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं ट्रीटमेंट के बाद मुझे कुछ, मेरे साथ कुछ गलत होगा, ठीक है। मुझे हमेशा ये लगता था कि मुझे जीना है, मेरे बच्चे जो दो हैं, बेटा MBBS कर रहा है, बेटिया भी अब कॉलेज गोइंग हो गई है इसी साल से, तो मुझे ये लगता था कि मेरा परिवार मेरी स्ट्रेंथ है और मैं उनकी स्ट्रेंथ हूँ। मुझे ऐसा लगता था उनकी स्ट्रेंथ ना टूट जाए, इसके लिए मैं खड़ी होना है मुझे दोबारा से। तो बस फैमिली हमेशा सपोर्टिव रही है हर फील्ड में। तो कब मैम ये सब ठीक हो गया, आपकी कीमोथेरेपीज हुई, तो कब आप मतलब ठीक हो गए बिल्कुल? विद इन 1 ईयर मैंने, बल्कि हाँ 1.5 ईयर के बाद मैंने दोबारा से एक स्कूल भी ज्वाइन कर लिया था दोबारा से। हाँ फिर मैंने अराउंड 1 ईयर वहाँ पे जॉब किया, लेकिन तब मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जितने पैशनेट होके और वॉलंटियर होके मैं जॉब अपनी करती रही थी पहले, कहीं ना कहीं मैं उतना नहीं दे पा रही थी। तो और मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करती हूँ जिसमें मैं अपना 100% ना दे पाऊँ, तो मैंने खुद से उनको बोल के क्विट किया कि मैं अपनी जॉब से अन्याय नहीं कर सकती। जो बच्चे मेरे फेस को देख के आते हैं कि किस स्कूल में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा लेजी फील कर रही हूँ, मेरी बॉडी उतना नहीं अलाउ कर रही, सो आई क्विट द जॉब एंड डिसाइडेड टू डू समथिंग फ्रॉम माई सेल्फ, एंड आई एम रनिंग हैंड राइटिंग एंड अबेकस क्लासेस ऑलरेडी। तो फिर उसके बाद मुझे यूँ लगा कि ये तो साइड बाई साइड चलती रहेंगी, लेकिन मुझे एक चीज़ को था कि रूप देना ही देना है अपने डिजाइन को। तो एक 100% अपना देना, पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप पॉजिटिव वे में आप रहेंगे तभी आपकी जो है कोई भी काम कर रहे हैं तो अच्छे से जाएगा। मैम हमें भी पता है कि बहुत से लोग होते हैं हार मान जाते हैं जब ये कैंसर जैसे पता चलता है कि उन्हें डायग्नोस हुआ है, और वो कीमोथेरेपीज होना वो सिर्फ फिजिकल आपके ऊपर नहीं चीजें रहती हैं, मेंटली इमोशनली बहुत सी चीजें हो जाती है, तो उस तरीके उसको कैसे संभाला, क्या आपके में मोटिवेशन कौन रहा, कैसे रहा, कैसे आपने खुद को संभाला उस वक्त? मोटिवेशन का सोर्स जो मेरा रहता है, जैसे मैंने पहले बताया, फैमिली तो है ही है जो दिखाई देता है, लेकिन क्या है कि हाँ मैं स्पिरिचुअल हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सुप्रीम सोल है जो हर दम मेरे साथ चलती है और मेरी
एनर्जी का पावर बैंक है जो कभी खत्म नहीं होता, मुझे वहां से एनर्जी मिलती है। लेकिन अभी तो मैं मतलब ओम शांति ब्रह्मा कुमारी इसको फॉलो करती हूँ, उस टाइम पे नहीं करती थी। लेकिन हमेशा मुझे एक एहसास रहा है कि कुछ है जो मेरे साथ हमेशा चलती है। मतलब मैंने कभी भी अपने आप को ऐसे नहीं महसूस किया कि आज मैं गिरी तो मैं कल उठ नहीं पाई, ऐसा कभी नहीं। पता नहीं क्या पावर मेरे साथ हमेशा चलती थी। लेकिन मैंने कुछ टाइम पहले शिव को महसूस किया, तो अभी ब्रह्मा कुमारी इसको फॉलो करती हूँ, तो उसके बाद तो मतलब कि जीवन ही बदल गया और ही हो गया। और उनको फॉलो करने के बाद ही मेरे में इतनी हिम्मत और आ गई कि मैंने फिर डिजाइनर मॉम को इंट्रोड्यूस कराया। मैं बहुत से लोगों की, बहुत सी महिलाओं की मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मुझे लगता है बन चुके हैं। मुझे लगता है यहाँ पर अगर कोई शॉपिंग करने आ रहा है वो सिर्फ शॉपिंग करने नहीं आएगा, वहां पर ऐसे लिखा भी हुआ है पूरा, तो वो भी आपको साथ ही साथ शॉपिंग के साथ साथ मतलब एक वो पूरा एक मोटिवेशन भी मिलने वाली है। तो यहाँ पर ब्रह्म कुमारी से सब लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो है एक आशीर्वाद देने यहाँ पर पहुंचे हैं। आप बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक डिजाइनर मोम की यहाँ पर शुरुआत हुई है, कृष्ण में अपना आशीर्वाद देने के लिए आप पहुंची है, बेस्ट विशेष देने के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमें निमंत्रण मिला, हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे भैया ने, हमारी सिस्टर ने ये इतना अच्छा शोरूम बनाया है, इसमें दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, सभी आए और अच्छे से वाइब्रेशन भी लेकर के जाए शिव बाबा की याद के। हमारी भी यही भावना है कि हर एक ड्रेस के अंदर हम बाबा कैसे किरने छोड़े कि जो इस ड्रेस को लेके जाए ना वो पाकर के डाल करके इसको इतना सुखी होवे और खुश नसीब अपने आप को महसूस करे कि जिस दिन से मैंने ये ड्रेस खरीदी है ना यहाँ से मोम डिजाइनर से, तो मैं उस दिन से जैसे कि आनंदित हूँ, ऐसा महसूस करेगी वो आत्मा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। या ये बात भी बहुत सही बोली कि जो वाइब्रेशंस है वो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको अच्छी मिलने वाली। जैसे मैंने बोला आप यहाँ पर आप आएंगे या आपको स्टार्टिंग में ऐसे डिजाइनर मोम द सर्वाइवर के बारे में जो पढ़ने को मिलेगा ना, डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस अपने साथ लेकर जाने वाली हैं। लेकिन हमारी बहन ने जो भी ये किया है काम, सिंपल एंड सोबर, आज की चमक धमक की दुनिया से दूर, बहुत अच्छा लेटेस्ट भी है और सिंपल भी है और देखने में बड़ा सोबर भी है। क्या सब चीज है, देखने में सोबर भी है, मतलब हर किसी के चॉइस के अकॉर्डिंग जैसा आपको चाहिए। और मुझे, मैंने जैसे बोला कि गोहाना के कस्टमर्स भी यहाँ पर पहुंचने वाले, मैं बोल रही थी तो कुछ गोहाना के कस्टमर्स भी पहुंच चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाय मैम, आप आए हैं मैम गोहाना से? जी। अच्छा, मतलब इतना प्यार आप लोगों का है, मतलब मैम के साथ आप गोहाना से यहाँ पहुंचे स्पेशली? बिल्कुल, ना केवल मैम से, मैम की कला से भी मुझे बहुत प्यार है। शी इज अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड गर्ल डिजाइनर, तो ये बहुत पहले से थी। और मैम को मैं जानती हूँ लगभग पिछले 20 सालों से मैं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन ये जो टैलेंट था पहले हिडन था, अब सबके सामने आ गया है। बिल्कुल, शी इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। और ये तो आपको पता ही है कि वो एक ग्रेट फाइटर भी हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, तो इतना जो ना स्टैमिना और इतनी विल पावर इनके अंदर है दैट आई रियली विश कि ये जो गोहाना से ये यहाँ तक पहुँचे कुरुक्षेत्र तक, ये मतलब जो है दिन दुगनी और रात चौगनी मतलब प्रोग्रेस करें। और आई रियली विश हर द ऑल द बेस्ट एंड ऑल सक्सेस इन हर लाइफ एंड आई रियली लव यू गीता। आप देख सकते हैं कि इतना प्यार है इनसे, इनके साथ कि यहाँ पर गोहाना से यहाँ तक पहुंचे। मैं आपका कुछ बताना चाहूंगी, मैं रोहतक से आई हूँ। अच्छा। और मैंने पिछले 2 साल से, मतलब 2 साल पहले की बात है जब मैं गीता मैम के फर्स्ट टाइम कॉन्टेक्ट में आई थी, एज ए मतलब पर्सन मुझे ऐसी अनास कोई लेडी, इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी कोई नहीं मिली, जिनकी मतलब इतनी अपनी सारा स्टोर वगैरह ओपन करने की जो सारी विल है और जो इनकी क्वालिटी है। जैसे क्लोथिंग में मैंने अभी जो ड्रेस डाल रखी है, ये भी डिजाइनर मोम की ही है, यही की है। और मेरे पास अब मेरे वार्डरोब में है ना डिजाइनर मोम के अलावा कोई और कपड़े बचे ही नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल से डिजाइनर मोम के अलावा मैंने कहीं और से कोई भी शॉपिंग नहीं की है। यहाँ की जो स्टिचिंग की क्वालिटी है, फैब्रिक की क्वालिटी है और मैम के जो डिजाइन है वर्ल्ड में बेस्ट है। तो वही है, अब मैं स्पेशल यहाँ मैम से मिलने आई थी, उनको विश करने आई थी कि अगली बार, मैम मैम को बोल भी रही थी कि नेक्स्ट टाइम है ना और भी जगह है जब आप स्टोर ओपन करेंगे वहाँ भी है। हम ये चाहते हैं कि है ना हम हर जगह आए बार बार, मतलब देख सकते हर जगह जाना चाहते हैं। रोहतक से गोहाना से यहाँ पर पहुंचे, इतना प्यार और साथ से इतनी खूबसूरत ड्रेसेस है कि कहीं दूर खोलो हम फ्लाइट में बैठ कर आएंगे। और मैम का भी एक सपना है कि इस कला को, अपने इस टैलेंट को, जो हिडन टैलेंट था उसको हर जगह
हर डिस्ट्रिक्ट में डिजाइनर मोम ओपनिंग की जाए। आप लोगों को बता देती हूँ पहुंचना कहाँ पर होगा, कुरुक्षेत्र में डिजाइनर मोम आप लोग पहुंच सकते हैं अम्बेडकर चौक पर ऑपोजिट सिग्नस हॉस्पिटल और नियर आपको लाइक एयरटेल स्टोर के मिल जाएगा और काफी खूबसूरत ड्रेसेस मिलने वाली है और डेफिनेटली बहुत सी इंस्पिरेशन बहुत सी मोटिवेशन आप यहाँ से ले। तो भाई ड्रेसेस तो सुंदर है लेकिन इनोग्रेशन कहीं भी हो रही है चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग व्यूअर्स है सबको ये रहता है कि ऑफर्स क्या कुछ मिलने वाले हैं क्या कुछ खास मिलने वाला है। तो मैम से जानते हैं मैम क्या कुछ रहने वाला है क्या कुछ ऑफर्स रहने वाले हैं सब लोग यही वेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आज वर्किंग डे है थर्सडे तो मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग नहीं भी पहुंच पाएंगे और वो संडे का वेट करेंगे तो हमारे ऑफर संडे तक चलेंगे आज से संडे तक। और ऑफर्स हैं जैसे हमने स्मार्ट वॉचेस रखी हुई हैं ईयरबड्स हैं और कुछ बैग्स भी हैं अलग अलग स्लैब बनाए हुए हैं 3000, 6000 और 10000 का और किसमें क्या रहता है वो यहीं आकर पता चलेगा। तो ऑफर्स बहुत प्यारे हैं और ये संडे तक चलेगा जब तक स्टोर बंद नहीं होता। तो टिल संडे आप लोगों को ये ऑफर मिलने वाला है तो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ कपड़े शॉपिंग करने नहीं आओगे आपको स्मार्ट वॉच मिल सकती है आपको ईयरबड्स मिल सकते हैं आपको बैग मिल सकता है साथ में फ्री में लकी विनर हो सकते हैं। तो जल्दी से पहुंचिए डिजाइनर मॉम पर और डिजाइनर कपड़े पहने और साथ में अच्छे सरप्राइज गिफ्ट भी मिलने वाले हैं और इंस्पिरेशन डेफिनेटली आप यहाँ से लेकर जाने वाले हैं। तो डिजाइनर मॉम द सर्वाइवर द फाइटर। सो ओपनिंग जो है उमा सुधा मैम यहाँ पर पहुंचे उन्होंने की है और अच्छी बेहतरीन शुरुआत जरूर की गई है। मैम से जानते हैं मैम भी आकर कलेक्शन तो देख ही रहे हैं उनसे भी जानते हैं। हाय मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे डिजाइनर मॉम की ओपनिंग हो चुकी है कुरुक्षेत्र में कैसा लग रहा है कलेक्शन और क्या कुछ अपनी बेस्ट विशेस देना चाहेंगे। रियली आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी जो कैंसर फाइटर कहूंगी वॉरियर कहूंगी एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची हमारी क्योंकि मेरे साथ खुद अपनी डॉटर इन लॉ के लिए ऐसा फील कर चुकी हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी को कितनी बोल्डली हैंडल करते हुए आज इस डिज़ाइनर मॉम की सेकंड चेन के लिए यहाँ पर ओपन किया है तो मेरा सिटी भी डेवलप हुआ है। तो मुझे सभी ड्रेसेस देखने में ऐसे लग रहा है कि ये भी ले लो वो भी ले लो बहुत ही अच्छा लग रहा है और खुद डिज़ाइन करती हैं। मैं चाहूँगी कि मेरे कुरुक्षेत्रवासी सभी एक बार आएँ और यहाँ पर विज़िट करें और देखें कि एक लेडी वुमेन एम्पावरमेंट के नाते भी मैं ये कहूँगी कि हमें और स्ट्रॉन्ग करें और यहाँ पर विजिट करें और इन्जॉय करें।